हेलो गाइस, और सब कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जियो फोन का कीपैड हमेशा परेशान तो करता ही रहता है। अब जियो फोन को कीपैड को क्लीन करने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं। कोई ट्वीज़र से कर देता है, कोई चिमटी से कर देता है, कोई पेचकस से कर देता है, और बोर्ड पे स्क्रैच आ जाती हैं, प्रिंट कट जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक ही तरीका, और बस कीपैड, जियो का कीपैड ही नहीं, कोई सी भी पीसी भी आप इस मेथड से क्लीन करेंगे तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले एक साफ सा कपड़ा लीजिए, और फाल्कन जो डिस्प्ले पे यूज होता है हल्का से लीजिए, बस रब कीजिए। इससे कुछ छुटाना नहीं है, बस ये लगाना ही है, इसलिए हाथों हाथ ये उड़ के जाते हैं। और उसके बाद इरेजर लीजिए, इरेजर से कोई भी बोर्ड को नुकसान नहीं होगा, ना ही कोई निशान आएगा। ठीक है, देखिए कितना मॉइस्चर है, मैं इसको इस रेजर से साफ करता हूँ। ये वही रेजर है जो बचपन में हम सबके पास रहता था भाई। इस रेजर से क्लीन कीजिए, आपके बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये मेथड आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी पीसीबी को आप प्रिंट साफ़ करने हो। देखिए कितना साफ क्लीन हो गया, एक भी स्क्रेच नहीं आई है, और बोर्ड एकदम फ्रेश। अब इस कीपैड पे जो कील लगी हुई हैं, इन्हें साफ़ करने के लिए देखिए जो कील है, देखिए इसको इस तरह से साफ़ कर दीजिए। अब जियो फोन का कीपैड तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और लंबे समय तक काम करेगा। वो जो कहते हैं कस्टमर को वाइट टेस्ट दबाना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हर बिंदी को साफ़ कर देंगे। तो यही थी छोटी सी बात, थैंक यू दोस्तों।